श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादे पाश्चात देश तारिणे गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदाल्यै कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा श्री श्री राधा गोपाल मंदिर श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी के चरण कमलों में बैठकर इस्कॉन कानो गार्डन के इस मंदिर में श्री प्रभुपाद आचार्यपाद और अन्य वैष्णव के आशीर्वाद से हमारी भक्ति जो हम कर रहे हैं उसको कहते हैं साधन भक्ति। हम क्या कर रहे हैं? साधन भक्ति। इस साधन भक्ति का गोल क्या है? साधन भक्ति का गोल है जो हमारे हृदय में भगवान का प्रेम है उसको जगाना। तो साधन भक्ति इन इटसेल्फ इज नॉट ए एंड, इट इज ए मीन्स टू अचीव द गोल। तो जो हम साधन भक्ति कर रहे हैं इसका गोल है भाव भक्ति को जगाना। ये डेफिनेशन है साधन भक्ति की। साधन भक्ति की डेफिनेशन के दो पार्ट हैं। पहला पार्ट है कि साधन भक्ति कैसे की जाती है और दूसरा है उसका गोल क्या है। साधन भक्ति की जाती है मन से, वाणी से और शरीर से, बॉडी माइंड एंड वर्ड्स। तो साधन भक्ति कैसे हम करते हैं? मन से, वाणी से और इंद्रियों से। करते क्यों हैं? भाव भक्ति को जगाने के लिए। जब भाव भक्ति जागृत हो जाती है तो समझ लो कि साधन भक्ति का सही और
प्रॉपर रिजल्ट हमको मिल गया। जब तक वो जागृत नहीं होती है तो साधन भक्ति अब प्रोसेस है। भक्ति भगवान की स्वरूप शक्ति, भक्ति भगवान की स्वरूप शक्ति के ही अधीन और अंतर्गत है। भाव भक्ति हम सबके हृदय में पहले से भगवान ने भर के भेजा है। दिस लव ऑफ गॉड इज ऑलरेडी फिक्स्ड इन एवरीबॉडीज हार्ट बाय कृष्ण हिमसेल्फ। कोई दिल भगवान के प्रेम से खाली नहीं है। नो सिंगल हार्ट इज विदाउट कृष्ण प्रेम। श्री प्रभुपाद यूज्ड टू से कि अगर ये कृष्ण प्रेम नहीं होता इस पाश्चात्य देश के लोगों पे, इन वेस्टर्न के अंदर ये कहले से कृष्ण प्रेम नहीं होता तो ये भक्त कैसे बनते। ये तो था, हमने सिर्फ इसको जगाया। चाहे अफ्रीकन हो चाहे रशियन हो, लेकिन कृष्ण प्रेम तो उसकी दिल में पहले से पड़ा है। अब हमको सिर्फ उसको जगाना है। वो जगाने के लिए साधन भक्ति है। एक बहुत बड़ी ट्रिक है इसमें, भाव भक्ति नहीं जागेगी। आपका पास बीज पड़ा है, वो तो है पहले से कृष्ण प्रेम। आप बीज को कहीं बो दो, यू पुट दिस सीड इन ए ग्राउंड, देन यू नीड समथिंग मोर। क्या चाहिए? हो पानी चाहिए, रोशनी चाहिए, हवा चाहिए। सो वी नीड दीज थिंग्स ऑल्सो, राइट? तो भाव तो पहले ही पड़ा है, साधन हम कर रहे हैं। सो प्रेम इज ऑलरेडी देयर, साधन हम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी दो चीजें चाहिए ना, पानी चाहिए, रोशनी चाहिए ना। व्हाट इज दैट एंड फ्रॉम वेयर वी गेट दैट? सो भाव भक्ति के जागृत होने के लिए, टू अवेकन दी भाव भक्ति, we have to practice sadhan bhakti, that is okay, but we need two more things. वो कौन सी दो चीजें हैं? वो है संवित शक्ति और हलादिनी शक्ति। क्या है वो? ये संवित और हलादिनी शक्ति क्या है? ये भगवान जो सत चित्त आनंद है, सत सैंदनी शक्ति है, चित्त संवित शक्ति है, आनंद हलादिनी शक्ति। सत चित्त आनंद सेम थिंग इज सैंदनी, संवित और हलादिनी। ये सब दो नाम है, चीज एक ही है। इसमें जो संवित है वो एग्जिस्टेंस है, जिसको हम सत कहते हैं, और एग्जिस्टेंस संवित जो है वो बलराम जी हैं, और वो गुरु तत्व है। वो हमको देता है साधन भक्ति का बीज। गुरु हमको क्या देता है? ये श्लोक तो बहुत प्रसिद्ध आप लोग जानते हैं ना, ब्रह्मांड भ्रमिते कोई भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। वो ये बीज क्या है? व्हाट इज दैट बीज आर सीड ऑफ डिवोशनल सर्विस? क्या है सीड? ये सीड है रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ डिवोशनल सर्विस। हरे कृष्ण मंत्र सीड नहीं है, वो तो भगवान है। हरि नाम सीड नहीं है, वो तो भगवान है। सीड है रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ डिवोशनल सर्विस, और वही तो वैदिक साधन भक्ति है, वही तो गुरु सिखाता है। लेकिन फिर उधर भी पानी देने, उधर भी लिखा है पानी देना है सीड को। गुरु ने दे दिया भक्ति का बीज, फिर क्या करना? सर्वण कीर्तन जले सिंचन करे, कथा का सुनना और कीर्तन करना, ये पानी है। इससे भक्ति के बीज का अंकुरित होता है, उगता है। अब देखा, बीज धरती में बोगे उगेगा तो पहले उसमें दो पत्ते निकलते हैं। देखें,
फिर वो दो पत्ते गिरते हैं तब जाके वो आगे बढ़ेगा। ये देखा है कभी? ये एक बहुत टेक्निकल बात है एंड यू माइट नेवर हैव हर्ड दिस। हरे कृष्णा, वेलकम, आइए प्रभु आइए। ज्ञान और वैराग भक्ति का अंग नहीं है, यू नो दिस। ज्ञान और वैराग भक्ति का अंग नहीं है। ज्ञान कर्म आदि अनावर्तम, शुद्ध भक्ति क्या ज्ञान कर्म के बिना है। और जब तक ये दो पत्ते नहीं गिरेंगे तब तक भक्ति ऊपर नहीं जाएगी। ये ज्ञान और वैराग वाले पत्ते ये भी गिरने चाहिए, ये भक्ति के लिए जरूरी नहीं है। बिफोर आई गो फर्दर, एक फेमस, मेनी टाइम आई मस्ट हैव टोल्ड यू दिस एग्जाम्पल। कृष्ण पहले प्रेम हमारे हृदय में पड़ा है, हाँ, कृष्ण प्रेम इज ऑलरेडी इन अवर हार्ट। टू अवेक इन दिस वी नीड श्रवण कीर्तन। तो हम कथा कीर्तन भी अब कर रहे हैं, फिर वो प्रेम जागृत क्यों नहीं हो रहा? ये एग्जाम्पल जो मैं देने जा रहा था जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, ये पानी का पंप है ना, ऊपर पानी जाता है ना, इसमें कभी हवा आ जाती है तो पानी तो नीचे पड़ा होता है टैंकी में, ऊपर नहीं जाता, तो क्या करते हैं? पंप में ऊपर से पानी डालते हैं। सो कृष्ण प्रेम पड़ा है लेकिन माया का बीच में वैक्यूम हो गया है, और कृष्ण कीर्तन की दो चार कथा बाल्टी डालेगा ऊपर से तो कृष्ण प्रेम बाहर निकल आएगा, बस सो सिंपल। बट स्टिल भाव भक्ति नहीं जागेगी। उसके लिए दो शक्तियां चाहिए, कौन सी बताया? संवित एंड हलादिनी। संवित का काम क्या है? कृष्ण के बारे में जानकारी। संवित विल मेड अस टू अंडरस्टैंड कृष्ण, टू मेक अस टू अंडरस्टैंड कृष्ण। कृष्ण क्या है ये हमको संवित शक्ति सिखाएगी। और कृष्ण से प्रेम करने से जो आनंद मिलेगा वो हलादिनी शक्ति से प्राप्त होगा। ये दो शक्तियां जब हमारे हृदय में प्रवेश होंगी तब भाव भक्ति जागृत होगी। अब ये आए कहां से? ये आएगी किसी भगवान के प्यारे साधु शुद्ध भक्त के हृदय से। इसलिए भक्तों का संग सबसे ज्यादा जरूरी है। Until and unless some devotee bless us with samvit and haladini shakti, the bhav bhakti will never manifest. ये कोई भक्ति दे सकता है और कहीं से नहीं मिल सकता है। इसलिए for our success in devotional service, our advancement in devotional service, सफलता के लिए, प्रगति के लिए, कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने के लिए भक्तों का संग अनिवार्य है। अनिवार्य है मीन्स अनअवॉइडेबल। यू कैनॉट से आई विल लिव विदाउट डिवोटी एसोसिएशन। नो, इट इज नॉट पॉसिबल। अचेतन अचेतन में से भक्ति जन्म है ते भक्त संगे। भक्ति का जन्म भक्तों के संग में होता है। दी बर्थ ऑफ दी भक्ति इज इन दी एसोसिएशन ऑफ डिवोटी। एंड नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा है? भगवान मिल जाए फिर भी भक्त का संग मुख्य अंग। भगवान मिल जाए फिर भी भक्त का संग मुख्य अंग। थ्रू आउट दी भागवत अब देखेंगे कि ध्रुव को भगवान मिला फिर भी स्वयं मनु के संग की जरूरत पड़ी, प्रहलाद को भगवान मिला फिर भी भक्त के संग की, बलि महाराज के पास भगवान बैठे हैं फिर भी कहते हैं प्रहलाद जाके संग दो। So even after getting the goal of meeting Supreme Lord, still we need devotee association. तो भक्त का संग जिंदगी में सबसे important है। वो भक्त के हृदय से ही
ये दोनों शक्तियां उसकी कृपा से हमारे हृदय में आएंगी, तब भाव भक्ति जागृत होगी। गिरिराज महाराज भक्ति से शास्त्री पढ़ाते हुए एग्जाम्पल दे रहे थे कि आपने समोसे बनाने हैं, आटा लेके आ गया, आटा बना लिया, आलू बना लिया, पनीर जो भी डालना है उसके अंदर भर दिया, अब समोसा रेडी है। लेकिन घी तो चाहिए ना तलने के लिए, बिना के घी तो समोसा तैयार नहीं होगा ना, आपके पास घी नहीं है। तो आपने साधन भक्ति से समोसा तैयार कर लिया, आपने घी आपके पास नहीं है तो उसको समोसा करोगे कैसे। अब आप घी जिसके पास है उसको कहो कृपा करके घी दे दो, मेरा समोसा तैयार है, इसको तैयार। तो कह हम साधन भक्ति कर रहे हैं, लेकिन आप कृपा करके भाव भक्ति के जागृत करने के लिए अपने हृदय से सम्मित और हलादिनी शक्ति हमारे को दे दो, तो हमारा हृदय में कृष्ण प्रेम जागृत हो जाए। अब ऐसे भक्तों का संग करना चाहिए। इसलिए भक्तों का संग तो है, लेकिन इस श्लोक हमने रखा था, ये तीसरे स्कंद भागवत के 25वें अध्याय का है। ये भक्तों के लक्षण है, कैसे भक्तों के संग में सत्संग से उनकी कृपा से हमारी भाव भक्ति जागृत होगी। तो कुछ भक्तों का यहां वर्णन है, कुछ उन भक्तों के, एक भक्त का लक्षण क्या होना चाहिए। तितिक्ष्व कारुणिका सुहृद सर्वदेहिना अजात शत्रु शांता साधु साधु भूषणा। साधु पहले तो सहनशील है, तितिक्ष्ण, तितिक्षा मतलब टॉलरेंट, कितना टॉलरेंट, मोर देन ट्री। तो साधु में सहनशीलता होनी चाहिए। आप श्रील प्रभुपाद का उदाहरण दीजिए कि प्रभुपाद जी अमेरिका में उतरा जहाज से, हाउ मच ही हैज टॉलरेटेड लिविंग विद द हिपीज, जिनका कोई कल्चर नहीं, उनके साथ रहना, और वृंदावन का एक साधु, कैसे आप सोच सकते हो। आपके मंदिर में ऐसे किसी को आने भी नहीं दोगे अभी, जनरली स्पीकिंग। और प्रभुपाद जी उनके साथ कैसे रहे होंगे, हाउ मच टॉलरेंस उसका रहा होगा, आप अंदाजा लगाइए। अनक्लीन पीपुल, इंटॉक्सिकेटेड पीपुल। एक दिन तो प्रभुपाद रात को क्या दिन भाग के अपने कमरे से निकले के वो मारने के लिए पागल, वो एलएसडी के ऊपर नशे में था, वो मारने के लिए आया। हाउ मच ही हैज टॉलरेटेड तितिक्ष्व कारुणिका, करुणा करना, कारुणिका मीन्स टू बी मर्सीफुल। स्टिल ही वॉन्टेड टू गिव देम मर्सी, दे वर अनफिट एंड ही वॉज टॉलरेटिंग देम, बट स्टिल ही वॉज इज रेडी टू। सो देयर इज अ वन रूल, प्रीचिंग इज ओनली पॉसिबल इफ यू हैव कंपेशन। आपके हृदय में अगर दया है, करुणा है, तो प्रचार का लाभ मिलेगा। अगर आप प्रचार कर रहे हो कि लोग मुझे समझे, मैं बहुत अच्छा कथा करने वाला हूं, कोई फायदा नहीं होगा। बहुत से बड़े बड़े कलाकार हैं, कथाकार हैं, लेकिन उससे किसी के हृदय में परिवर्तन नहीं होता। श्री प्रभुपाद वन लैंडेड इन अमेरिका, इधर देखा उधर देखा, बोले तो सब दुखी हैं लोग, इसलिए ऑल दीज पीपल आर सफरिंग, दे आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मोड ऑफ पेशन एंड इग्नोरेंस, रजो और तमोगुण में बिल्कुल ग्रस्त हैं। अब लोग कहते हैं अमेरिका में लोग सुखी है, और साधु की दृष्टि से देखो तो बहुत दुखी है। बट वॉज इन विद इन द हार्ट ऑफ प्रभुपाद करुणा, प्रभुपाद के हृदय में दया का उदय, इनको सुखी कैसे किया जाए। सो फॉर प्रीचिंग द इम्पेटस इज कंपैशन। अगर दूसरे के दुख को देखकर आपके हृदय में करुणा आती है तो आप प्रचार कर सकते हैं। सो प्रचारक का दया का भाव होना चाहिए, करुणा होनी चाहिए। बेचारा दुखी है, इसको सुखी कैसे करना चाहिए। ये प्रचार करना है कि मुझे इससे मिलेगा, ये इसका हमारा मतलब नहीं। आई विल गेट सम बेनिफिट बाय प्रीचिंग, दिस इज नॉट द एम ऑफ प्रीचिंग। प्रीचिंग इज टू मेक पीपल हैप्पी बिकॉज दे आर सफरिंग। कारुणिका, तितिक्ष्व कारुणिका, एंड देन
द नेक्स्ट वर्ड इज सुहृद सर्वदेही नाम. सुहृद मीन्स वेल विशर. प्रभुपाद जी अपने चिट्ठी में अपने सब शिष्यों को लिखते थे यूअर एवर वेल विशर. इन एवरी लेटर प्रभुपाद यूज्ड टू राइट एवर व्हिच मीन्स सुहृद. सुहृद देयर आर थ्री वर्ड्स फ्रेंड मित्र रिश्तेदार संबंधी एंड सुहृद. तीनों में फर्क है. द थ्री आर नॉट सेम. फ्रेंड इज फ्रेंड आप उनके काम आए वो आपके काम आएगा. फ्रेंड मीन्स यू गिव एंड टेक. रिलेशनशिप इज आल्सो गिव एंड टेक. आप मेरे घर आओगे तो मैं आपके घर आऊंगा. लेकिन सुहृद इज कंप्लीटली डिफरेंट. यू मे नॉट गिव यू मे नॉट कम बट स्टिल आई वुड लाइक टू हेल्प यू. इसको कहते हैं सुहृद. दुनिया में एक सुहृद है भगवान जो सबके हृदय में बैठे हैं. और भगवत गीता में कहते हैं सुहृद सर्वभूताना. मैं सबका शुभ चिंतक हूं सबका हित चाहता हूं. दूसरा सुहृद होता है गुरुदेव. जो शिष्य कैसा भी हो उसको भगवान की सेवा में लगाने के लिए उसका हित करेगा. उसको कुछ नहीं मां चाहिए सिर्फ उसको हित. तीसरा सुहृद दुनिया में मां है जो अपने बच्चों के सुख के लिए सब दुख उठाने को तैयार है. और कोई सुहृद दुनिया में नहीं है. तीन ही सुहृद का एग्जाम्पल है मां गुरु और भगवान. ये साधु जो है ये गुरु साधु ये सुहृद है. किसके लिए? सर्वदेही नाम. सारे देहधारियों के लिए. सारे देहधारियों ऐसे नहीं कहा इंसानों के लिए. इट्स नॉट ओनली फॉर ह्यूमन बींग्स. वो तो सारे जीवों का शुभ चिंतक है. सुहृद सर्वदेही नाम. सारे देहधारियों का हित चाहते हैं. गायों का हित चाहते हैं. गौशाला खोलते हैं. अरे भगवान हमारे गोपाल अपना नाम रखा गायों का पालन किया तो हमको भी जो भगवान को अच्छा लगे वो हमको करना चाहिए जिसमें भगवान प्रसन्न होंगे. तो भगवान अगर हम गाय की सेवा करेंगे भगवान प्रसन्न होंगे. तो साधु तो पशुओं के ऊपर भी दया करते हैं. और यहां तक चेतन महापुरुष से मिलने जाने वाले भक्तों के साथ कुत्ता भी रह गया उसको रोटी नहीं मिली तो भी चिंता होती थी. दिस इज द मीनिंग ऑफ सुहृद सर्वदेहिना. कुत्ते को रोटी नहीं मिली भूखा है नहीं मिला तो परेशान हो गए. अरे भाई हमारे साथ जा रहा था इसको तो भोजन मिलना चाहिए ना. प्रभुपाद कितना सुहृद सर्वदेही नाम था. 74 में गोवर्धन पूजा मायापुर में की. इंटरनेशनल डिवोटी सब आए थे. सबने प्रसाद खाया गोवर्धन पूजा का. फिर पतल बाहर फेंके. पतल में थोड़ा प्रसाद लगा हुआ था. देखा कुछ बंगाल के गरीब बच्चे उस प्रसाद को खाने के लिए छीना झपटी कर रहे हैं. और देखा कुछ कुत्ते उस पतल के ऊपर से खाने की कोशिश कर रहे हैं. बच्चे और कुत्ते आपस में लड़ रहे हैं कि बचा हुआ प्रसाद का टुकड़ा किसको मिलेगा. प्रभुपाद ने ऊपर से देखा कि मंदिर के बाहर ये बच्चे भूखे हैं. प्रभुपाद की आंखों में आंसू आ गए. इसको कहते हैं सुहृद सर्वदेही नाम. कुत्ता को भी नहीं मिलना है बच्चों को भी नहीं मिलना है और ये भी जूठन के लिए लड़ रहे हैं. प्रभुपाद ने सब अपने सीनियर जो उधर जीबीसी सब आए हुए थे उनको बुलाया. सीनियर लीडर्स को कहा हमारे मंदिर के 10 किलोमीटर में कोई भूखा नहीं होना चाहिए. प्रसाद का वितरण प्रचुर मात्रा में सबको होना चाहिए. एक भी भूखा नहीं होना चाहिए. तो वो ऐसे देखने लगे भाई तुम सबको 10 किलोमीटर में तो बहुत से लोग मिलेंगे कैसे खिलाएंगे. तो प्रभुपाद ने नेक्स्ट लाइन कहा रसोई घर की स्वामिनी राधा रानी है और लाखों लक्ष्मियां उसकी सेवा में है. कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी. आप प्रसाद खिलाया करो. सो ये प्रभुपाद का एक आदेश पूरी दुनिया में कितना फूड फॉर लाइफ के माध्यम से प्रसाद का वितरण हो रहा है.
ये है स्वर्द सर्वदेहिना, प्रभुपाद तितिक्षा है, कारण का है, सब गुण आप देखिए प्रभुपाद जी के जीवन में और अपने गुरुदेव में आपको देखेंगे, सबको मिल जाएंगे कि ये उनका जीवन में ये लक्षण है। और फिर है अजात शत्रु। अजात शत्रु नाम सिर्फ एक युधिष्ठिर महाराज का है भागवत में। युधिष्ठिर महाराज इस काल अजात शत्रु का मतलब जिसने किसी को अपना शत्रु माना ही नहीं। अजात का मतलब शत्रु का जन्म ही नहीं हुआ। नेवर कंसीडर एनीबडी एवर एन एनिमी। लोग उनसे भले दुश्मनी करें, उन्होंने कभी किसी को दुश्मन नहीं। वो तो दुर्योधन को भी सुयोधन कहते थे, दुर्योधन नहीं कहते थे, सुयोधन। अजात शत्रु का मतलब नो एनिमिटी। ये भक्त का लक्षण है भगवत गीता में, अद्वैष्ट सर्वभूताना, अद्वैष्ट सर्वभूता, किसी से द्वेष नहीं करना। और ये भक्ति का सूत्र है 11th चैप्टर का लास्ट वर्स, भक्ति का सूत्र है, मत कर्म किन मत परमो मत भक्त संग वर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु यह समामेति पांडव। इसमें तीन चीजें करनी है भक्ति में और दो नहीं करनी है, इसको कहते हैं भक्ति का सूत्र। और ये श्लोक पूरा हुआ 12वां अध्याय भक्ति का श्लोक शुरू हुआ, तो ये उसकी भूमिका है। तो तीन चीजें करनी क्या है भक्ति के लिए, मत कर्ण कर्म, कर्म आप शरीर से मेरे लिए काम करो, विद बॉडी वर्क फॉर मी। मत कर्ण कर्म, मत परमो मन से, विथ माइंड मेक मी द गोल ऑफ योर लाइफ। मत परमो बॉडी से काम मेरे लिए करो, मन से मुझे गोल बनाओ, जिंदगी का लक्ष्य बनाओ। मद भक्त का मतलब है हृदय में प्रेम मेरे लिए, भक्त का मतलब प्रेम। शरीर भी मुझे दो, मन भी मुझे दो और दिल भी मुझे दो। अब हमारी स्थिति क्या है, हमने शरीर दिया है जिसके लिए काम करते हैं उसको, जिसके लिए नौकरी करते हैं उसको शरीर दिया है, या परिवार को दिया, मन किसको दिया है, मन में को हमारा गोल क्या है, हमारे गोल क्या है, जनरली बच्चे शादी हो जाए, बंगला बन जाए, गाड़ी हो जाए, हमारा मन और कहीं है और दिल हमने किसी और को दिया हुआ है। हम तीन जगह लटके हुए हैं तो भक्ति कहां से शुरू होगी। भगवान कहते तीनों मेरे को चाहिए, काम भी मेरे लिए, पाना भी मुझको और प्रेम भी मुझसे करना। दो चीजें नहीं क्या करनी है, संग वर्जित, भौतिक लोगों के संग से दूर रहो। तो मैंने अर्जुन ऐसे देखता है कि तो क्या लोगों से दुश्मनी करे भाई, नहीं संग करो का मतलब क्या दुश्मनी करे, बोला नहीं, निर्वैर सर्वभूतेषु, संग मत करो लेकिन किसी से वैर मत रखो, सबके प्रति सहानुभूति रखो, वेल विशर बनो लेकिन संग मत करो। संग मत करो का मतलब है डोंट टेक फ्रॉम देम बट गिव देम। सो ये श्लोक में लिखा है अजात शत्रु, किसी को अपना शत्रु नहीं मानता। श्रील प्रभुपाद के जीवन में देखेंगे, पाश्चात्य देश में बहुत पंडाल प्रोग्राम में कोई लड़का भारतीय मूल का उठ के बहुत ज्यादा जो है अभद्र भाषा बोलने लगा तो प्रभुपाद के शिष्य बहुत क्रोधित हो गए। प्रभुपाद ने कहा हो सकता है किसी पुराने जन्म का इसका मेरे प्रति द्वेष रहा हो, हमारा इसके प्रति शत्रुता का भाव नहीं है। और वो लड़का दूसरे दिन मिलने आया तो भक्त मिलने नहीं दे रहे थे, लेकिन प्रभुपाद ने अपना पुस्तक उसको दी। सो किसी को अपना शत्रु नहीं समझा प्रभुपाद, ही नेवर कंसीडर एनीबडी एज हिज एनिमी।
स्ट्रांग प्रीचिंग करते थे मायावादियों के लिए, सबके लिए, लेकिन वही मायावादी मिलने आते थे, बड़े आदर के साथ उनसे मिलते थे। फिलोसॉफिकली ही बस वेरी इसका वेरी स्ट्रिक्ट, बट बिहेवियर वाइज ही वॉज गिविंग देम ड्यू रिस्पेक्ट। शत्रु नहीं किसी को माना, सबके साथ मिलने जाते थे, सबके साथ मिलते थे। क्रिश्चियन प्रीस्ट के साथ मिलने चले जाते थे, शत्रु को, अभी किसी को शत्रु समझेंगे क्यों मिलने जाएंगे। प्रोफेसर के साथ मिलने चले जाते थे, यहां तक एथियस्ट लोग थे उनसे भी मिलने चले जाते थे। ही नेवर कंसीडर एनीबडी एनिमी, एनिमी हमारा कोई नहीं, क्योंकि सब भगवान के हैं, भगवान के सब हैं, तो हम इनको दुश्मन कैसे बनाए? हाउ कैन वी टेल बिकम एनिमी ऑफ द पीपल व्हेन एवरीबॉडी बिलोंग्स टू गॉड। सब भगवान के हैं तो एनिमिटी नहीं है। और फिर है शांता, शांता मतलब पीसफुल, शांता कौन शांत हो सकता है? इसके लिए प्रभुपाद जी शांति का सूत्र बोलते थे भगवद गीता से। शांत कौन है? भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोकम ऐश्वरम सुहृद सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। शांत वो है, वो समझेगा कि कृष्ण भोक्ता है, कृष्ण सब लोकों का मालिक है और कृष्ण ही हमारा शुभ चिंतक है, वो शांत रह सकता है। इसका मतलब क्या है? हम क्या सोचते हैं कृष्ण क्यों भोगता है, हम भी तो भोगता है, तो हमारा कृष्ण से कॉम्पिटिशन है, इसलिए हम शांत नहीं। भाई कृष्ण सबका मालिक क्यों है? अरे भाई इस घर का तो मैं भी मालिक हूं ना, तो हम भी कृष्ण से कॉम्पिटिशन कर रहे हैं ना। तो कृष्ण मालिक क्यों? हम भी तो मालिक है ना, तो हम शांत कैसे होंगे? शांत तब होंगे जब हम समझेंगे कि सब कृष्ण ही, ओनली ही इज एंजॉयर, He is the proprietor of everything and he is the well-wisher of everybody. जो इस बात को मानेगा वो शांति को प्राप्त। प्रभुपाद यूज्ड टू से दिस इज ए शांति सूत्र, दिस इज द शांति सूत्र। अब दुनिया में शांति की बात सब करते हैं, लेकिन कोई नहीं ये बात मानता है कि सबका मालिक, सब चीज का मालिक भगवान है और सब भोक्ता भगवान है। नहीं, हम हैं। शांति चाहिए, कहां से आएगा शांति? साधु शांत क्यों है? एक दूसरी बात, साधु के शांत के लिए चेतना चैतन्य में क्या लिखा है? भुक्ति मुक्ति सिद्धि शकल अशांत कृष्ण भक्त निष्काम अतेव शांत। अब शांति के आपको दो सूत्र, जब शांत शब्द है तो ये दो श्लोक आपके दिमाग में आने चाहिए, एक भुक्तारम्भ यज्ञ का और दूसरा ये। भुक्ति का मतलब कर्मी, मुक्ति का मतलब ज्ञानी और सिद्धि का मतलब योगी। ये तीनों अशांत है क्योंकि इन तीनों को कुछ चाहिए। भोगी को स्वर्ग का चाहिए, ज्ञानी को ब्रह्म में लीन होना है, योगी को सिद्धियां चाहिए, कृष्ण भक्त अशांत निष्काम, कृष्ण भक्त को ये तीनों चीजें नहीं चाहिए। उसको कृष्ण की सेवा के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए, इसलिए वो शांत है। तो शांत साधु क्यों है? क्योंकि उसकी कोई भी भगवान से अलग भोग की इच्छा नहीं। और फिर लिखा है साधव साधु भूषणम, साधु में ये लक्षण होने चाहिए। ऐसे साधुओं का संग करेंगे, इनके हृदय में कृष्ण प्रेम होगा, तो इनके हृदय से संबित और हलादिनी शक्ति ये अगर देंगे तो हमारे हृदय में कृष्ण प्रेम जागृत होगा। अब हम दूसरे श्लोक का रस आस्वादन करते हैं। मय अनन्य भावेना भक्ति कुर्वन ये दृढ़ां। अब आगे कह रहे हैं मई अनन्य भावेना, मई का मतलब मेरी, अनन्य भावेना का मतलब अनन्य का एक मीनिंग है न अन्य, और किसी की नहीं, ओनली मै। अनन्य का एक सामान, जब अनन्य शब्द कहना हो तो समझाना हो किसी को तो भगवद गीता का कौन सा श्लोक बोलना चाहिए? व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एक ही पुरु नंदन बहुशाखा, एक जगह बुद्धि हो ये अनन्य भक्ति है। बहुशाखा वाली बुद्धि नहीं,
कि सोमवार के दिन एक मंदिर में मंगल का दूसरा उपवास, शनिवार का तीसरा उपवास, और सात दिन का अलग अलग ढाई इधर से उधर घूम रहे हैं। जो घूम रहा है तो रोलिंग स्टोन के दस नो मास, ये जो चारों ओर घूम रहे हैं इनको कुछ मिलने वाला नहीं है, ये तो अपने मन को खुश कर रहे हैं। दे आर नॉट फोकस्ड एट वन प्लेस। अनन्य भक्ति नहीं है, न अन्य और किसी की नहीं, मई सिर्फ मेरी। और अनन्य का दूसरा अर्थ है निरंतर, कंटिन्यूस, कंटिन्यूस एंड एक्सक्लूसिवली माय डिवोशन। मई अनन्य भावे न भक्तिम कुर्वंती ये दृढ़ाम, जो दृढ़ संकल्प के साथ मेरी अनन्य भक्ति करते हैं, अनन्य भाव से भक्ति करते हैं। ये भगवान कह रहे हैं वो। और दूसरा क्या लिखा है, और मेरे लिए त्यक्त कर्मणांस त्यक्त स्वजन बांधवाय बांधवाह, और मेरी भक्ति के लिए वो सब काम भी छोड़ सकते हैं, और यहां तक के अपने बंधु बांधवों को भी छोड़ सकते हैं। इसका उदाहरण कौन है सवाय गोपियों के, और कोई उदाहरण नहीं। गोपियां ऐसी एक उदाहरण है जिन्होंने भगवान के लिए दुनिया के काम क्या, संबंध क्या, बंधु क्या, बांधव क्या, ये गोपी गीत में कहते हैं ना, बांधवां पति सुत्त बांधवान, ये सबको हम छोड़ के आ गए आपके लिए। अब प्रभुपाद के जीवन में ये आप देखिए कि प्रभुपाद ने सब कर्म छोड़ा, अपना डे फार्मेसी का बड़ा बिजनेस छोड़ा कि नहीं छोड़ा, हाँ, अपने सारे स्वजन बांधव छोड़े कि नहीं छोड़े, घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, पुत्र छोड़े, छोड़ा कि नहीं छोड़ा, किसके लिए छोड़ा। मई अनन्य भावे न भक्ति और भक्ति कुर्वंती ये दृढ़ और दृढ़ता के साथ ये किया। अब मैं ये श्लोक सारे प्रभुपाद जी के जीवन पे ऐसे बिठा के बता रहा हूं कि उन्होंने कितने लोगों का उद्धार किया, उन्होंने कितने लोगों का, हम आज यहां बैठ के ये कथा कर रहे हैं ये तो उनकी कृपा है। तो उन्होंने ये सब किया है, ये उसमें लक्षण है कि नहीं, ये मिल रहे हैं कि नहीं, उन्होंने सबको त्यागा कि नहीं त्यागा। भगवान कहते ऐसे भक्त मेरे लिए सब कुछ त्यागने को तैयार है, मेरी भक्ति के लिए कुछ भी त्यागने को तैयार है, एनीथिंग। अगर उनमें ये सब कुछ त्यागने का सामर्थ्य आ जाए, जरूरी नहीं है त्यागना हो, लेकिन जरूरत पड़े कि एक तरफ भक्ति है एक तरफ संसार है तो संसार को त्याग के भक्ति को ले ले। ऐसे भक्त भगवान के आगे का श्लोक पढ़ते हैं, मदाश्रया कथा मृष्टा। कथा मृष्टा का मतलब मेरी कथा में आनंदित होते हैं, डिलाइटेड इन माय कथा। मद आश्रया मेरे शरणागत हैं, मद आश्रय का प्रबल अबाउट मी, मद आश्रय मेरे शरणागत होकर मेरी कथा, कथा मृष्टा श्रवंती कथ्यंती च, सुनते हैं और कहते हैं, श्रवण कीर्तन आगे। अगर लाभ क्या होगा, आपकी कथा को सुनेंगे, आपका शरण लेंगे तो क्या दुनिया में दुख नहीं भोगेंगे, सारा दिन आपकी कथा सुनते रहें तो फिर तो भूखे रह जाएंगे क्या। तो भगवान क्या कहते हैं, तप्यंती विदास तापा नयताम मदगत चेतसः, उनके लिए दुनिया के दुख समाप्त हो गए, उनको कोई दुख नहीं है। क्यों? अच्छा, दुख आपको होता है कहां, लग दुख कहां महसूस होता है बताइए, आपको दुख महसूस कहां होता है, वेयर यू एक्सपीरियंस मिजरी, माइंड, माइंड में होती है ना। और लास्ट लाइन क्या, मत चेता, उनका मन ही मुझ मेरे पास है तो उनको दुख कहां से आएगा भाई, दुख आए मन में, वो मन ही उनका मुझ में लगा हुआ है तो दुख कहां से आएगा, but their mind is focused on me so how will they feel miseries, they will not feel misery भाई, चिंता होती है मन में,
जब मन ही भगवान के चिंतन में लगा हुआ है तो उसमें चिंता आएगी कहां से, जगह ही नहीं है चिंता के लिए। अब ये फार्मूला बहुत आसान है, कथा में लगे रहो। एक सम क्वेश्चन बट आस्क कॉमनली, इफ यू हैव ए पार्ट विच हैव 100 होल्स, 100 सोराख वाला बर्तन है, आपको कहा जाए कि पानी से भर के आओ, भर के भरेगा क्या, बह जाएगा कि नहीं बह जाएगा? लेकिन हम चाहते हैं कि वो भरा हुआ हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? वी नीड दैट 100 होल पार्ट टू बी ऑलवेज फिल्ड विथ वाटर। व्हाट इज द ओनली वे टू गेट दैट डन? वाटर में रखना, पानी में रहने दो। यू कीप इट इन द वाटर देन इट्स फिल्ड, कहीं बह के नहीं जाएगा। सो हमारी सारी चिंताएं तब है जब कथा से बाहर जाते हैं। कथा में ही बैठे रहेंगे तो कोई तकलीफ नहीं। वेरी सिंपल। हम इसका मंदिर के भक्तों की बात करते हैं, वृंदावन में जैसे या मायापुर में है या बॉम्बे में है, बड़े मंदिरों में कोई 200-400 भक्त रहते हैं। सुबह 4 बजे उठ गए, नहाया, मंगल आरती में गए, नाचे कूदे, कीर्तन किया, नरसिंह आरती गाई, तुलसी पूजा किया, फिर 2 घंटे जप किया, फिर गुरु पूजा करके भागवत सुना, फिर सीधे प्रसाद हाल में गए और पत्तल के ऊपर और गोवर्धन पर्वत जितना चावल दाल 2 सब्जी रोटी तैयार पड़ा है, पहले खाया और फिर किसी सेवा में लगे। अब शाम नहीं हुई तो दोबारा प्रसाद तैयार पड़ा है। उन भक्तों को आज तक कभी आप पूछना जाके कि बाजार में आलू का रेट क्या है, आटे का रेट क्या है, उनको पता नहीं। उनको बिना कुछ किए सब कुछ ऐसे ही मिलता है, कुछ नहीं करना है, सुबह उठना है, कीर्तन करना है। अब भगवान की सेवा में लगे हैं तो सब चीजें, आप बताओ यहाँ काम कर रहे हैं रोज चिंता है कि नहीं, आज ये चीज नहीं है आज वो, उनको कुछ पता नहीं। आपको चिंता है और उसको उनको कुछ भी पता नहीं, बस सिर्फ भगवान की सेवा में लगे हैं तो सारे काम अपने आप, और शाम को दूध का गिलास भी अपने आप मिल जाता है। तो वो तो जैसे उनका एवरीथिंग इज इजीली अवेलेबल। 500 आदमी को खिलाने में मंदिर को चिंता नहीं है, यहाँ घर में 5 आदमी को पालना मुश्किल है कि नहीं? डिफिकल्ट। मंदिर में 500 people वी फीड एन हाउस एंड 4 people। मेहमान कोई घर में आ जाए तो हम परेशान होते हैं कि जाएगा कब, और मंदिर में कहते आओ आओ आओ। दोनों को डिफरेंस देख रहे हैं। सो मन में दुख कहां होता है? मन में। सारी मुसीबत का कारण मन है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण इतने दयालु, अरे तू ये मुसीबत मेरे को दे दे, मैं अर्पित मनोबुद्धि, लाओ मन इधर लाओ। ये मन भगवान मांगते हैं गीता में और कुछ नहीं मांगते हैं, और हम वो देते नहीं, और हम देते नहीं है इसलिए दुनिया में दुख भोग रहे। दे दो मन भगवान। मन भगवान को देने का मतलब क्या है? जैसे अर्जुन ने अपने रथ का लगाम कृष्ण के हाथ में दे दिया। लगाम ही तो मन है, ये हमारे शरीर का लगाम क्या है? मन। और किसके हाथ में दिया अर्जुन ने? भगवान के। सब चिंता खत्म हो गई कि नहीं? अर्जुन की कोई चिंता रह गई क्या? कोई परेशानी अर्जुन के लिए थी नहीं? क्यों? कि मन भगवान के हाथ में दे दिया। हम भगवान के हाथ में मन कैसे दे दें? भी मन कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि भाई गुलाब जामुन है कि भगवान के हाथ में दे के आए, ये फूल है। मन के काम भगवान को दे दो। मन के काम जो है, मन के काम क्या है? संकल्प विकल्प, थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग, ये जो मन के काम है ये भगवान की सेवा में लगाओ। इसलिए श्री प्रभुपाद ने नेक्टर ऑफ डिवोशन में लिखा है मेंटल कल्चर ऑफ डिवोशन। मन कैसे भक्ति में लगाना है? प्रभुपाद ने कहा मेंटल कल्चर इज टू थिंक ऑफ पास्ट टाइम ऑफ कृष्णा इन कुरुक्षेत्र एंड पास्ट टाइम ऑफ कृष्णा इन वृंदावन। इसका मतलब क्या? कि मन से सदा भगवत गीता के श्लोकों का चिंतन करो, ये कृष्ण का पास टाइम है कुरुक्षेत्र में, और मन से कृष्ण के वृंदावन की लीलाओं का चिंतन करो, ये है भागवत। सो मन में ये चलना चाहिए। हमारे मन में क्या चल रहा है? दुनिया की बात चल रही है। भक्तों के मन में क्या चल रहा है? भगवान की लीला कथा चल रही, भगवान के प्रचार की योजनाएं चल रही,
तो ऐसे भक्त मद आश्रया कथा मृष्टा, मेरे शरणागत होके मेरी कथा में जो आनंदित होते, मीठी लगती है। मृष्टा का मतलब मीठी लगना, मीठा, मिष्टान, मेरी कथा उनको मीठी लगती है। श्रणमतम कथ्यंत, सुनते हैं, कथा करते हैं। तपन्ति विरदास तापा नायतान, वो इस दुनिया के तीन तापों से दुखी नहीं होते हैं। क्यों? मदगत चेतसा। मदगत चेतसा का मतलब उनकी चेतना मेरे ऊपर केंद्रित है। दे आर कृष्णा कॉन्शियस, दे आर मदगत चेतसा। चेतसा मीन्स कॉन्शियसनेस, उनकी कॉन्शियसनेस मेरे ऊपर केंद्रित है। अरे वो श्रील प्रभुपाद के एक और श्लोक पढ़ लेते हैं। दिस इज द क्लाइमेक्स फॉर टुडेज क्लास, ये श्लोक। ऐसे भक्तों का संग करेंगे तो वो कृपा करके संवित और हलादिनी शक्ति देंगे, तो हमारे हृदय में भाव भक्ति जागृत हो जाएगी। अब ये श्लोक पढ़ते हैं, आप भी पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। सताम प्रसंग, सताम प्रसंगां मम वीर्य संविदो, भवन्ति हृत्करण रसायनाः कथाः तजोषणात् आशव अपवर्गवर्तमने शरधारति भक्ति अनुक्रमश्यन्ति। ये तीसरे स्कंद के 25वें अध्याय का 25वां श्लोक है, 3.25.25। ऑफन कोटेड श्लोक बाय श्रील प्रभुपाद, कैसे भक्तों का संग करना चाहिए। तो कहते हैं सताम प्रसंगाम, सताम का मतलब डिवोटी, प्रसंगाम का मतलब डिस्कशन इन एसोसिएशन। अच्छा, प्रसंगाम का मतलब, अगर प्रसंग वर्ड की मीनिंग क्या है आप सोचो, प्रसंगाम का मतलब संग, संग मीन्स एसोसिएशन, पर मीन्स प्रसंग, प्रकृष्टेण रूपेण संग, प्रकृष्टेण रूपेण संग मीन्स वेरी क्लोज थारो एसोसिएशन विद डिवोटी। सो कहते हैं क्वालिटी टाइम वाली एसोसिएशन, ऐसा नहीं भाई रास्ते में जाते मिले हमारा एसोसिएशन, नहीं ट्रेन में मिल गए एसोसिएशन, नहीं, प्रकृष्टेण रूपेण मीन्स फुल्ली एसोसिएटिंग संग, प्रसंगा, सतांग प्रसंगाम। दिस मॉर्निंग आई सेड प्रभुपाद इज ट्रांसलेटेड सतांग वर्ड ऑफ ए प्योर डिवोटी। सतांग प्योर डिवोटी कैसे, सतांग मीन्स डिवोटी, व्हाई प्रभुपाद हैज पुट द वर्ड प्योर इन फ्रंट ऑफ दैट, देन इट केम इनटू माय माइंड इन मॉर्निंग एंड आफ्टरनून आई वाज गिविंग क्लास ऑन दिस वर्स, सेकंड वर्स ऑफ भागवतम सेज, what is the second verse of Mangalacharan Bhagavatam? Dharma projita kaitava nirmatsaranam satam, nirmatsaranam satam, और निर्मत्सर का आप ट्रांसलेशन वर्ड टू वर्ड में देखें, प्रभुपाद ने लिखा है 100% प्योर। इस श्लोक में निर्मत्सर की माना क्या लिखी है, 100% प्योर, एंड उसके बाद वर्ड क्या है, सताम। सो प्रभुपाद इज टेकिंग दिस निर्मत्सराणाम सताम मीन्स प्योर डिवोटी। अब दूसरा हमने सुबह ही when I was speaking, I was realizing actually किसका संग करना चाहिए, तो दूसरा कहां लिखा है, निर्मत्सर, निर्मत्सर means non-envious। महाभागवत का लक्षण उपदेशामृत में, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में क्या है,
निंदा आदि शून्य, किसी की बुराई नहीं करता, इज ए प्योर डिवोटी. इट मीन्स एसोसिएशन ऑफ महाभागवत, एसोसिएशन ऑफ उत्तम अधिकारी, द वन इन हूज हार्ट ऑलरेडी संबित एंड हलादिनी शक्ति हैज मैनिफेस्टेड. ही कैन बेस्ट ऑफ मर्सी एंड ही कैन ट्रांसफॉर्म एंड अवेकन भाव भक्ति. तो ये सतान का जो डेफिनेशन प्रभुपाद लिखा है, लाइन देखो आप पढ़ के देखिए क्या लिखा है प्रभुपाद जी ने. इन द एसोसिएशन ऑफ प्योर डिवोटी, सतान में प्योर है ही नहीं तो प्योर क्यों लिखा है प्रभुपाद ने. तो इस प्योर को आपको क्वालिफाई करने के लिए निर्मत्सराणाम सतान के पास को देखना पड़ेगा, और फिर महाभागवत के लक्षण में देखना पड़ेगा निंदा आदि शून्य, जिसके दिल में किसी के लिए बुराई नहीं है, ऐसे भक्त का संग. और सताम प्रसंगा मद मम मदवीर्य, मदवीर्य मतलब कृष्ण की कथा बहुत शक्तिशाली है, इट्स वेरी पावरफुल मेडिसन. प्रभुपाद ने इसके लिए कुछ वर्ड ऐसे लिखे हैं, डिस्कशन ऑफ द पास्ट टाइम एंड एक्टिविटीज ऑफ द सुप्रीम पर्सन ऑफ गॉड इज वेरी प्लीजिंग एंड सेटिस्फाइंग टू द ईयर एंड हार्ट. हृत कर्ण रसायण, हृत मीन्स हार्ट, कर्ण मीन्स ईयर, रसायण मीन्स वेरी प्लीजिंग. प्रभुपाद ने लिखा सेटिस्फाइंग ऑल्सो. ये प्लीजिंग और सेटिस्फाइंग दो वर्ड क्यों लिखे. This morning I was just meditating when I was speaking. There is not much why it is. कान को क्या होता है, ear is pleased by hearing. लेकिन heart की pleasing कैसे होगी? It's pleasing for ear and heart both. कान के लिए और हृदय के लिए pleasing और satisfying है. हृदय में बैठा है भगवान, बैठा है कि नहीं बैठा है? तो भगवान की कथा सुनेंगे भक्तों के संग में तो सबसे पहले खुश कौन होगा? भगवान. कौन होगा सेटिस्फाई? कौन होगा? जब भगवान सेटिस्फाई होगा तो हम अपने आप सेटिस्फाई हो जाएं. एंड दिस इज इन सेकंड सेम सेकंड वर्स. कौन सी भागवत की सेकंड वर्स? धर्म प्रोजित कैवत कैतव नित निर्मत्सराणाम सताम. वाह वा, फिर क्या नेक्स्ट लाइन क्या है? वेद्यम वास्तवम विस्तु वस्तु शिवदम तापत्रय उन्मूलनम. फिर क्या है? श्रीमत भागवतम महामुने कृतम. फिर क्या है? किम वही किम परई शास्त्र सद्यम शुश्रूषु हृदय अवरुद्धते कृति भी ही ना शुश्रूष तत्क्षणात. इसका मतलब क्या है कि आपने घर से भागवत सुनने का, भगवान की कथा सुनने का इच्छा करके निकले तो भगवान आपके हृदय में अवरुद्ध हो जाएंगे. क्यों? मेरी कथा सुनने जा रहे. और जो भगवान प्रसन्न हो गए, सेटिस्फाई हो गए कि मेरी कथा सुनने जाए, और भगवान पे सेटिस्फाई होगा तो हम अपने आप सेटिस्फाई हो गए. भाई भगवान सेटिस्फाई, हम अपने आप सेटिस्फाई. कृष्ण तृप्तम जगत तृप्तम. भाई कृष्ण तृप्त होगा तो सब तृप्त हो जाएंगे कि नहीं? हाँ, द्रौपदी के देखरे से भगवान ने एक चावल खाया तो 10,000 दुर्वासा के शिशु का पेट भर गया कि नहीं भर गया? तो आज भी भगवान ने प्रसाद खाया, आपका पेट भर गया, जाओ. नहीं, भगवान चाहता है कि आप प्रसाद पाओ, नहीं तो पेट तो भर ही जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं. सो कैसे प्लीजिंग क्यों है और सेटिस्फाइंग क्यों है? प्लीजिंग इसलिए है कि सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन सेटिस्फाइंग इसलिए है कि भगवान प्रसन्न हो रहा है, इसलिए हम सेटिस्फाई हो रहे हैं. और फिर लिखा है बाय कल्टिवेशन ऑफ सच नॉलेज. कल्टिवेशन फिर लिखा है, कल्टिवेशन कौन से वर्ड की मीनिंग है कल्टिवेशन श्लोक में? कल्टिवेशन है तद जोशनाथ. जोशनाथ मीन्स कल्टिवेशन. ये कल्टिवेशन का मतलब क्या है? फिर आप वापस उधर आइए, भक्ति लता बीज. गुरुदेव ने दिया भक्ति लता बीज,
तो अब हमको उसको कल्टीवेट करना है ना, तो कल्टीवेट किससे करेंगे? कथा कीर्तन से। कथा कौन सुनाएगा? भक्त। तो ये कल्चर, प्रभुपाद ने लिखा है कल्चर ऑफ कल्टीवेशन, इसका मतलब कथा कीर्तन हमारे जीवन का एक कल्चर होना चाहिए। जीवन बाय कल्टीवेटिंग सच नॉलेज ऑन बाय कल्टीवेटिंग सच नॉलेज। कल्टीवेशन एक दिन में तो नहीं होती है, आज बीज बोलो कल आपको फल तो नहीं मिलेगा, 3 महीना लगेगा, टाइम लगेगा। तो भक्ति की लता का कल्टीवेशन कैसे होगा, प्रोसेस क्या है? कथा कीर्तन। तो कथा कीर्तन कौन करेगा? साधु करेगा। कौन सा साधु से सुनना चाहिए? नॉन एनवियस हो, शुद्ध हो। प्रभुपाद की कथा से 100 लाखों लोगों का परिवर्तन हो गया, 5-4 देश के लोगों का परिवर्तन हो गया। तो शुद्ध भक्त थे तब ना, वही वर्ड हम भी कह रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा दुनिया में। द वर्ड्स आर सेम बट द पर्सन्स प्योरिटी हैज मोर इन्फ्लुएंस इन ट्रांसफॉर्मेशन। और फिर कहते हैं उससे क्या होगा, श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रमश्यति। इसका मतलब भगवान की कथा से भगवान में श्रद्धा होगी, तो हम साधु के संग का लाभ लेते हुए नाम जपना शुरू करेंगे, भजन क्रिया करेंगे, और अनर्थ निवृत्ति बहुत जल्दी होगी हरि कथा से, तो हमारे को भगवान में आसक्ति हो जाएगी। और रति का मतलब भाव भक्ति, और हमारी भाव भक्ति जागृत हो जाएगी, और वो परिपक्व होके प्रेम भक्ति में, उसके बाद क्रमशः एक के बाद प्रेम भक्ति। तो बहुत आसान तरीका है, भगवान की कथा भक्तों के संग में सुनने से हमारी साधन भक्ति भगवान के भक्तों की कृपा से भाव भक्ति को जागृत करेगी, क्योंकि वो साधु दयालु हैं और अपने हृदय से संवित और हलादिनी शक्ति देंगे, तब हमारी भाव भक्ति जागृत होगी, फिर वो अपने आप परिपक्व होके प्रेम भक्ति में परिवर्तित हो जाएगी। प्रेम भक्ति और हमारा जीवन का लक्ष्य पूरा हो जाएगा। तो आज के इस सारे सत्संग से कौन सी मेन चीज हमको लेनी है? साधु संग। और साधु संग में भी जितना शुद्ध भक्तों का संग करेंगे उतना शुद्ध प्रभाव होगा, और नहीं तो जिस स्तर के साधु का संग करें, कनिष्ठ का संग करेंगे तो हमको वो कनिष्ठ के स्तर तक ला सकता है, उससे आगे नहीं ले जा सकता। मध्यम का करेंगे तो मध्यम तक लाएगा, उत्तम का करेंगे तो उत्तम तक लाएगा। तो संग के लिए तो लालसा होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए, ईगरनेस होनी चाहिए, जो अवेलेबल हो उसको लेना चाहिए, लेकिन इच्छा हो कि भगवान के शुद्ध भक्तों का संग हो। और श्री प्रभुपाद परम शुद्ध भक्त के शास्त्रों में जब हम कथा करते हैं तो प्रभुपाद के पुस्तक पढ़ते हैं, तो उनका संग तो हमको मिल ही रहा है, तो शुद्ध भक्त का संग भी इजीली सबके लिए प्रभुपाद के परपट में अवेलेबल है। एंड प्रभुपाद इज लिविंग इन हिज बुक्स, he said I will live with you in the form of my books। तो हमारे को प्रभुपाद के पुस्तक के रूप में शुद्ध भक्त का संग अवेलेबल है, और प्रभुपाद के भक्तों के द्वारा उन पुस्तकों की माना को समझने का हम सौभाग्य प्राप्त करेंगे, तो हमारे जीवन में कृष्ण प्रेम आज नहीं तो कल प्रकट हो जाएगा और हमारा जीवन सफल हो जाएगा। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच। जय श्री श्री राधा गोपाल की जय। जगन्नाथ बलभद्र यशोधर महारानी सुदर्शन चक्र की जय। एनी क्वेश्चन और कमेंट? सैंदनी का मतलब एग्जिस्टेंस, जैसे पूरा लोक भगवान का धाम बलराम जी के आधार के ऊपर टिका हुआ, तो वो जो है असल में, और संवित है नॉलेज जैसे गीता आदि भाग, और हलादिनी है राधा रानी जो आनंद देती है। ये सत्य चित्त आनंद का ही दूसरा दूसरी लैंग्वेज है फॉर दैट सेम थिंग। जो सत्य चित्त आनंद जो है, सत्य सैंदनी है, चित्त संवित है, आनंद हलादिनी, ये स्वरूप शक्ति है भगवान की, और भक्ति इसके अंतर्गत आती है। ऐसे कह सकते हैं 3 शक्तियां रजो तमो सतो यहाँ है, ऐसे वहां सच्चित आनंद है, ये भी ठीक है। लेकिन भक्ति जो है प्रकृति के 3 गुणों से परे
और सच्चित आनंद स्वरूप शक्ति के अधीन है। भक्ति भगवान और भक्ति, भक्त भगवान और भक्ति, ऑल थ्री आर बियॉन्ड मटीरियल मोड्स, दे आर अंडर द ज्यूरिडिक्शन ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। भगवान की अंतरंग शक्ति के अधीन है भक्ति। सो एक सामान्य हम आम आदमी को समझाने के लिए कहते हैं, भाई नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा, नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, है ना। तो ज्ञानी क्या हुआ? पॉजिटिव। और माया क्या है? लेडी। माया फेमिन है और ज्ञान क्या है? मैस्कुलिन है, वो मेल है, वो फीमेल है, वो अट्रैक्ट होगा। तो ज्ञानी को माया पकड़ के गिरा देगी। योगी क्या है? मेल है, और माया क्या है? फीमेल है, गिरा देगी। भक्ति क्या है? फीमेल है, माया क्या करेगी? भाग जाएगी, रिपल्शन हो जाएगी, नजदीक नहीं आएगी, अपने आप दूर भाग जाएगी। बहुत सिंपल है, इसे लॉजिकल है। भक्ति के निकट माया नहीं आएगी क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव रिपल एवरीथिंग, जाओ भागो नहीं। और ज्ञान और योग में जाओगे तो पकड़े जाओगे, माया नहीं छोड़ेगी। इसलिए बहुत जन्म लेने पड़ते हैं उनमें। लेकिन उसमें अशांत से कुतः सुखम, तो उसमें शांति से ऊपर का स्टेज है सुख। अयुक्त से का भावना न, पहला शब्द है असक्त, हाँ न आसक्त, न आसक्त, जो भगवान में आसक्त नहीं है उसकी बुद्धि कैसे एकाग्र होगी, उसका मन कैसे फिक्स होगा। और जिसका मन फिक्स नहीं है उसके पास शांति कैसे होगी, जिसके पास शांति कैसे नहीं है उसके पास सुख कहां से आएगा। अशांतस्य कुतः सुखम, ये हमारा श्लोक है। जब बिल्कुल नए लोगों में जाते हैं पहली बार तो उनको कहते हैं आपको सुख चाहिए, सब कहेंगे हाँ चाहिए, तो हम कहते हैं सुख दो, भगवान से नहीं जुड़ेंगे तो फिर शांति नहीं होगी, शांति नहीं होगी सुख नहीं होगा, इसलिए भगवान से जुड़ जाओ। दिस इज दी वर्स फॉर न्यू डिवोटीज, टू फॉर प्रीचिंग टू न्यू डिवोटीज। या बिल्कुल बाहर के और रशिया में ऐसी जगह में जहां लोग वैदिक सनातन धर्म को ही नहीं जानते, वहां ये श्लोक से हम शुरू करते हैं प्रचार। एक दूसरे श्लोक है, सुख का साधन दुख का कारण, वो ये सुख के शांति के नहीं, ये सुख का श्लोक है। शांति के ये दो सूत्र मेरे को दो याद आए, और भी बहुत से हो सकते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी शांति का सूत्र कहते भोक्ता रम यज्ञ तपसाम, और फिर चेतन चैतन्यमृत वाला जो है अशांत भुक्ति मुक्ति कृष्ण भक्त व निष्काम अतएव शांत, ये दो। अब मैं सिर्फ वो शब्दों को प्रभुपाद के ऊपर कैसे घटित होते हैं और ऐसे भक्तों से क्या प्रभाव होता है, जस्ट आई डिस्कस दीज वर्सेस विदाउट परपट, परपट आप लोग पढ़ लीजिए। और प्रभुपाद हैज रिटन ए फुल बुक ओनली ऑन दिस चैप्टर 25, थर्ड कैंटो के 25 चैप्टर के ऊपर प्रभुपाद जी ने धारावाहिक महीना भर सत्संग किया और उसको टीचिंग ऑफ लॉर्ड कपिला टू देवहूति करके बुक के रूप में प्रिंट किया। मैं समझाऊं, ये बॉम्बे में है या कुंती वाला बॉम्बे में, एक एक तो वेस्ट में है और एक बॉम्बे में, ये दोनों टीचिंग, और दोनों टीचिंग में प्रभुपाद ने एक्चुअली ग्लोरीफाई किया है देवहूति और कुंती को, टू एनकरेज माताजीज इन डिवोशनल सर्विस, के दोनों कितना बड़ा, भागवत में माताओं की ग्लोरी लिखी हुई है, देवहूति और कुंती की टीचिंग, कपिल देव टीचिंग टू दी देवहूति एंड कुंती महारानी टीचिंग, ये प्रभुपाद ने कंटिन्यूसली क्लास दे के इनकी किताब छापी है अपने पास। थैंक यू, एनी अदर क्वेश्चन? दो क्वेश्चन है, ज्ञान और भक्ति, ज्ञान और भक्ति का संबंध, ज्ञान क्या भक्ति के लिए सोपान बनता है भक्ति प्राप्त करने के लिए, पहला क्वेश्चन था। दूसरा ये था कि ज्ञान अगर बहुत ज्यादा टेक्निकल एस्पेक्ट में चले जाते हैं क्या वो भक्ति के लिए आड़े भी आ सकते हैं? भक्ति की डेफिनेशन में है कि ज्ञान से भक्ति आवृत नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब ज्ञान नहीं चाहिए, फिर भक्ति में ज्ञान चाहिए भी। दो प्रकार का ज्ञान है, कौन सा भक्ति के लिए
ज्ञान जरूरी है, जैसे भगवत गीता का ज्ञान है, जैसे भागवत का ज्ञान है, जिनसे हमारा भगवान से संबंध स्थापित होता है, ये ज्ञान चाहिए। कौन सा ज्ञान भक्ति के लिए नहीं चाहिए? ब्रह्म में लीन होने वाला ज्ञान नहीं चाहिए, निराकार का ज्ञान नहीं चाहिए, मायावाद का ज्ञान नहीं चाहिए, उसको त्यागना है। और यहां तक 11th कैंटो में तो लिखा है ज्ञान त्यजेत, क्यों? ज्ञान सतोगुण की वृत्ति है, आपका ज्ञान कैसा भी हो सतोगुण का है, और भक्ति तीनों गुणों से परे है, इसलिए भक्ति में जाने के लिए ज्ञान को छोड़ना पड़ेगा। लेकिन वो ज्ञान नहीं छोड़ेंगे, कौन सा? भगवान को जानने वाला ज्ञान, वो चाहिए। ऐसे कर्म कौन से छोड़ेंगे? स्वर्ग आदि में जाने वाले कर्म छोड़ेंगे, लेकिन भगवान की पूजा करके भोग लगाने वाले कर्म नहीं छोड़ेंगे। तो कौन से कर्म छोड़ने, कौन से नहीं छोड़ने, इसके लिए बोला है आवर्त नहीं होना चाहिए, शून्य नहीं लिखा है। डेफिनेशन जो भक्ति है की है उसमें इनको बोला है कौन सा चाहिए कौन सा नहीं चाहिए। तो और ऐसे आप ठीक कह रहे हैं, ज्ञानी का हृदय बहुत ही कठोर और शुष्क होता है, और भक्ति के लिए बिल्कुल कोमल और भाव वाला हृदय चाहिए, इसलिए त्यागी और ज्ञानी भक्ति के अधिकारी नहीं है। त्यागी ज्ञान के अधिकारी हैं, भक्ति के नहीं है, क्योंकि उनका हार्ट बहुत हार्ड है। और कर्मी भी भक्ति के अधिकारी नहीं है, क्योंकि वो भोगी है। अति भोगी भी नहीं चाहिए, अति त्यागी भी नहीं चाहिए भक्ति में, भक्ति में मध्य बीच वाला चाहिए। ये भागवत का श्लोक है एग्जैक्टली, नति नति त्याग नति भोग, क्योंकि अति त्यागी ज्ञान का अधिकारी है, अति भोगी कर्म का अधिकारी है, इसलिए मध्य जो है वो भक्ति का अधिकारी। फिर ये प्रश्न उठता है कि त्याग के बिना भक्ति कैसे करेगा? त्याग तो वैसे हृदय को कठोर कर देगा, ज्ञान कठोर कर देगा। तो फिर एक और वर्ड रूप गोस्वामी ने लिखा है, युक्त वैराग्य। सामान्य वैराग्य नहीं, युक्त वैराग्य। कृष्ण संबंधी चीजें सब हम यूज करेंगे, और कृष्ण के संबंध नहीं तो सब छोड़ देंगे, तो उसको कहते हैं युक्त वैराग्य। तो भक्ति में युक्त वैराग्य चाहिए, शुष्क वैराग्य नहीं चाहिए, युक्त। ये बहुत बड़ा अपने आप में सब्जेक्ट है, असल में ये बहुत टेक्निकल है। आज हम सिर्फ भक्तों के संग की महिमा, कैसे भक्तों के गुण होते हैं, उनका संग करने से लाभ होगा, ये देखना चाहिए कि उनमें साधु भाव है, शांत है, वो इन चीजों के ऊपर उनका कितना विश्वास है, ये देखना चाहिए। उसका आप देखेंगे उसका डिफरेंस पता लग जाएगा, और उतना ही आगे ले जा सकेगा जितना वो गया हुआ है, उसे आगे कहां ले जाएगा। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा, आज प्रभु जी ने क्लास में भक्ति, भक्त और साधु